वेलकम बैक एवरीबडी विद अ न्यू वीडियो। आज के दिन से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लॉन्ग वीडियो अपलोड करना। तो भाई डेली बेसिस में आप मेरे को देख सकते हो, मैं भाई देखना जरूरी है भाई, चाहे मैं वीडियो ना डालू ना डालू, प्रीवियस वीडियो पे तो उससे मेरा क्या फायदा देखना। तो आज मैं बनाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक TNT कैनन, मतलब कैनन नहीं बोल सकते उसे, ब्लास्टर बोल सकते हैं। उसका नाम है वैसे रैग्नारोक बोलते हैं उसे भाई, मतलब मैंने देखा है उसको रैग्नारोक बोलते हुए, बट वो मेरी तरफ से तो भाई बहुत खतरनाक है। वो 3 गड्ढे एक जगह कर देता है, 3 से ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं। तो अब मैं दिखाता हूँ उसका ट्यूटोरियल कैसा बनता है, और ये भी दिखाता हूँ कि कैसा फाड़ता है वो पूरा। तो अब मैं इस जगह पे देखता हूँ कि कौन सी जगह परफेक्ट रहेगी मेरे इस ब्लास्टर के लिए, बिकॉज ये जो ये बगल वाला पहाड़ है मैं इसी के ऊपर ये ब्लास्टर छोड़ने वाला हूँ, और देखता हूँ इस पहाड़ का पूरा क्या हाल होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये वाली जगह पर करता हूँ, तो ये वाली जगह थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये वाली जगह देखो थोड़े दूर पड़ रही है इस पहाड़ से, तो मैं थोड़ा पास यहाँ देखो इस जगह से, अगर इस जगह जाएगी तो मतलब थोड़ा फूट जाएगा ये पूरा, ये जो पहाड़ देख लो आप पूरा, तो जैसा है वो पूरा देख लो। अब मैं सामान ले लिया है, अब यहाँ पर TNT कैनन बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे से वो, बिकॉज जो उसकी TNT है जो ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा पास में ही बना लेता हूँ, क्योंकि अगर दूर बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर पास दूर बन गया तो दिक्कत होगी। हाँ, तो आपको 3 ऐसे डिस्पेंसर करके 2 साइड में करना है, और स्लैब लेके उसके सामने लगा देना है, बिकॉज हम इधर वाटर डालने वाले हैं, वाटर ताकि बाहर ना जाए, इस वजह से हम स्लैब लगा रहे हैं। तो ऐसा होने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगाना है ये डिस्पेंसर के ऊपर, किसी भी डिस्पेंसर के ऊपर लगा दो आप टेम्प्रेरी ब्लॉक, फिर उसके आगे एक डिस्पेंसर के रख देना है, और फिर बाद में वो पीछे वाला टेम्प्रेरी ब्लॉक हटा देना है, और जो डिस्पेंसर रखा है आपने उस डिस्पेंसर के बगल में आपको 3 जितने भी आपको ले जाना है लाइन से उतने आपको कर देना है। तो अब इसलिए हो गया, अब नीचे वाले को कनेक्शन कर देना, जो पानी के साथ है, जिसका वो माउथ जो साइड है वो वाटर के साइड होना चाहिए। तो अभी जो नीचे वाले इन चारों मतलब पांचों के साइड वाटर में है, तो मैंने उस पर वायरिंग कर ली है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी क्लॉक बना ली है, जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से सिंपल वाली क्लॉक बना के, और फिर आपको रेडी कर देना है, पीछे 2 रेडस्टोन, आगे 2 रेडस्टोन, और बाद में लीवर से इसे एक्टिवेट कर लो। तो जैसे ये क्लॉक एक्टिवेट हो जाएगी, अब बस कनेक्शन करना है, बस आपको यहाँ से एक रेडस्टोन डस्ट, और फिर ऐसे लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, सब में TNT फिल करनी है। अब मैं मिलता हूँ आपको TNT फिल करके, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा TNT फिल। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारे डिस्पेंसर में आपको मतलब इक्वल डालना होगा TNT, नहीं तो फिर बाद में ये पूरी TNT मशीन ब्लास्ट हो सकती है। तो अभी हमारी मशीन कुछ ऐसी दिख रही है बनने के बाद, मतलब थोड़ी ज़्यादा सिंपल सी लग रही है, और अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा ही बना सकते हो, बिकॉज हमें ज़्यादा तोड़ना है, ज़्यादा मतलब लंबाई में जाना है तो लंबाई कर दो, नहीं तो हम यहाँ पे अभी 3 ही बस गड्ढे होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 डिस्पेंसर लगे हैं आगे की साइड पे, तो 3 ही डिस्पेंसर, ये देखो ऊपर वाले डिस्पेंसर से हमारे जो TNT होंगे। अब यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाला है, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब यहाँ पे ये हो गया, अब जल्दी से यहाँ पे लगा देना और टॉप पे। अब ये करना नहीं, ये चीज़ आपको बहुत फास्ट करनी होगी। अब आप ये देख सकते हो TNT ने भाई ब्लास्ट करना शुरू भी कर दिया है, बातों में यार इतना ज़्यादा फूट भी गया है ये पूरा आधा पहाड़, आधा हाँ जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना फूट चुका है। अभी और है भाई बहुत सारा TNT है, मैं सीन कट कर चुका हूँ मैंने, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा TNT था इसलिए मैंने इतना किया। अब देख सकते हो आप कितना ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, कितना ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, रुक जाओ, अभी लैग फिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर नीचे जाकर देखता हूँ कितना गड्ढा कर दिया इसने, एक जैसे एक केव टाइप की खोद के रखी है। अब बगल वाले में देखता हूँ, बगल वाला भाई ज़्यादा आपको डार्क दिख रहा है मेरे को, तो मैंने ब्राइटनेस चेंज किए इस टाइम, देख रहे हो आप भाई एकदम कितना तगड़ा सा छेद कर दिया इसमें, 3 ऐसे लग रहा है 3 अलग अलग केव बनी है भाई। मेरे कहा था ना भाई बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक चीज़ है, जिसका भी अंडरग्राउंड बेस होगा उस साइड वो उसका तो भाई ख़त्म ही होने वाला है। मैं सही कहूँ यार ये भाई बनाने में सिंपल है, ना ही कुछ ज़्यादा सामान लग रहा है, डिस्पेंसर और TNT और रेडस्टोन लग रहा है ज़्यादा, और आपको क्या ही चाहिए भाई, इतने कम सामान के अंदर आपको इतने सारे चीज़ें मिल रही है।
तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद से अगर आप TNT ब्लास्टर पे बोलोगे तो मैं TNT ब्लास्टर पर वो बना दूंगा। जो भी आप कोई भी और ट्यूटोरियल के बारे में बोलोगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फर्स्ट ही मैंने अगर मैंने सोचा धासू वीडियो बनाऊँ, फाड़ू वीडियो जैसे बोलते हैं ना, फाड़ू वीडियो, तो उसे वैसी वीडियो बनाया, पूरा पहाड़ फाड़ के रख दिया है। तो वैसे ही मैंने सोचा कि स्टार्टिंग हम ऐसे ही करते हैं, तो आज ऐसी स्टार्टिंग कर दिया है। तो बता देना फिर कोई और वीडियो डालनी हो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई जब आप टॉपिक दोगे या नहीं तो फिर मेरे को खुद से ढूंढना पड़ेगा। आप अगर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपकी आपकी पसंद की कोई चीज़ें डालूंगा तो आपको भाई अच्छा ही लगेगा ना। तो इस वजह से मैं आप अगर आप टॉपिक देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो फिर मैं अपने आप से ट्यूटोरियल की वीडियो डाल दूंगा, कोई भी एक जो मेरे को मिलेगी यूट्यूब पे सर्च करना। भाई सर्च भी करना पड़ता है यार कंटेंट, ऐसे थोड़ी ना उड़ते उड़ते कंटेंट आ जाते हैं भाई, मेरा रोबोट थोड़ी ना हो यार। मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल द टेक केयर एवरीबॉडी।